सबसे पहले जो है अपन प्लास्टिक की सीट जो है वो जमीन के ऊपर बिछाएंगे। इसको हम चाहे तो खड्डा खोद कर भी कर सकते हैं, और अगर जमीन की कमी है और कोई शहरों के अंदर रहते हैं तो वो लकड़ी की मचान वगैरह बना करके भी इसको वर्मी कंपोस्ट को कर सकते हैं। खड्डा खोद के भी प्लास्टिक की सीट लगाना इसलिए ज़रूरी है या समतल जगह इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वो पानी जो ऊपर से डालेंगे वो नीचे बह करके नहीं जाए। चारा फसल का अवशेष जो है इसको अपन डाल रहे हैं, ये कम से कम 3 से 4 इंच की एक परत लगाएंगे। चारा फसल अवशेष की जो तह लगाई है उसके बाद में हम जो है पानी का छिड़काव करेंगे। प्रत्येक परत के बाद में पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है। ये जब लगाते हैं उस टाइम की बात है, उसके बाद में हमको इतना पानी डालना है कि उसके अंदर 50 से 60% नमी बनी रहे। अगर सर्दी का समय है तो हमको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना है, और गर्मी के टाइम में 1 दिन में सुबह के टाइम में पानी इसमें डालना है। चारा फसल के अवशेष के साथ में नीम की पत्तियां जो है वो भी मिक्स कर दी जाए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो गोबर और मिट्टी का जो मिश्रण डाला है उसकी भी जो परत है वो 3 से 4 इंच बड़ी होगी, और इसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। वर्मी कास्ट जिसके अंदर केचुआ और केचुओं के अंडों का मिश्रण है जिसको हम अब इस बेड के अंदर डालेंगे, और इसको समान रूप से पूरे बेड के अंदर अपन को बिखेरना है। केचुआ जो होता है वो 0 से 40 डिग्री तापक्रम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील तब होता है जब बेड के अंदर 28 से 32 डिग्री तापक्रम और 50 से 60% नमी होती है। 1 किलो केचुआ 24 घंटे के अंदर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बना देता है। अब इसके ऊपर हम गोबर की वापस एक परत लगाएंगे जो 3 से 4 इंच बड़ी होगी। अब पुनः हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़केंगे। केचुए के जो मुर्गी है, मेंढक है, चूहे है, कुत्ते हैं, नेवला और गिरगिट, ये इसके दुश्मन है, तो इनको हमको बचा के रखना है। अंत में हम जो है नीम की पत्तियां और जो चारा फसल के अवशेष है उन दोनों को मिला करके अंतिम एक परत जो है इसके ऊपर 3 से 4 इंच की लगाएंगे। बस ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि इस बेड की ऊंचाई जो है वो 1.25 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये चाय की पत्ती के समान नज़र आने लग जाए तो 2-3 दिन तक इसमें पानी छिड़कना बंद कर दें, और खुली जगह में जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ पर इसका ढेर लगा दें। तो जब ढेर लगाएंगे तो इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो केचुए जो है वो उस खाद के अंदर ढेर में घुस जाएंगे, और ये इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बन करके तैयार हो जाती है।